हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगाज़ आर्ट ऑफ कुकिंग। आज ये गणेश चतुर्थी के अवसर पर, शुभ अवसर पर, मैं बहुत ही स्पेशल जो पसंद है गणेश जी को भोग जिसका लगता है प्रसाद का, वो मोतीचूर के लड्डू हैं या बूंदी, आप जो भी बनाना चाहें इससे बना सकते हैं। आज मैं आपको मोतीचूर के लड्डू बनाना दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बेकिंग सोडा पाउडर कुछ नहीं डलता है। ये देखिए, ये मैंने एक कप बेसन का लिया है और कुछ भी नहीं लिया, और सिर्फ थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर कलर देने के लिए। कलर नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये सिंपल, पहले हम मैंने ये बाउल ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी एक कप बेसन, ठीक है, और इसमें मैं पिंच सा कलर डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बस इसको ऐसे ही मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा पानी डालते डालते हम जो है मिक्स करेंगे। ये देखिए, मतलब कंसिस्टेंसी इसकी जो है ज़्यादा थिक नहीं रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। गाढ़ी है और रखेंगे हम इसमें थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी, अभी थोड़ी ये थिक लग रही है और ज़रा सा पानी और डालेंगे। आपको पानी हिसाब से डालना पड़ेगा, देख देख के कि थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है एकदम मीडियम, मतलब ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा तिखी थिक हो। तो ये देखिए, ठीक है, बस इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा या पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। ये देखिए इतनी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, दिस इज एग्जैक्टली एंड राइट। एंड ये देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मैं कढ़ाई में ऑयल गरम करती हूँ, फिर हम इसको लैडर पे, इसको जो होल्स वाली जो छन्नी होती है आपको वो लेनी है, उसमें हम जो है बूंदी बनाएंगे। चाशनी भी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, क्योंकि ये एक कप मैंने यही पानी का लिया इसके अंदर, और इसमें आप एक कप चीनी का बराबर दोनों लेना है आपको, ठीक है। और इसमें आप इलायची डाल सकते हैं और आप केसर भी डाल सकते हैं, दो तीन थ्रेड्स अगर आपके पास हैं, ठीक है। देखिए मैंने वन कप जो है इसमें ये वाला पानी ले लिया इसके अंदर, और अभी मैं इसके अंदर ये एक जस्ट एक दो ड्रॉप्स जो है मैं केवड़ा वाटर के डालूँगी, और इसके अंदर हमने वन कप ही शुगर लेना है। अब इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने वन कप इसको शुगर भी ले लिया है, अभी हम इसको इसमें डालेंगे और इसको आपको सिर्फ 2 मिनट्स तक जो है शुगर मेल्ट होने तक आपको इसको अच्छे से मतलब हीट करना है। ये बिल्कुल तार टाइप्स नहीं बनानी है आपको। ये देखिए अब बिल्कुल, अभी मैं इसको मैंने पैन में डाल लिया है, अब इसको मेल्ट होने तक 2 मिनट्स आप देख कर टाइम के हिसाब से चला लें। हमारा ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो गया या नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हम इसमें एक दो ड्रॉप्स डाल के देखते हैं। हाँ बिल्कुल रेडी है। आपको इतना ही जो है फ्लेम रखना है, ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने इसमें डालना कैसे है बैटर को। चलिए ये देखिए, ये आप ऐसी वाली छन्नी कोई भी ले सकते हैं, इसे बरी का अगर डालना चाहें वो भी ले सकते हैं। ये मैंने बैटर, इसको आपको करछी को हिलाना नहीं है। ये देखिए मैंने ऐसे डाला है बिल्कुल, बस एक ही जगह पे आपको ऐसे रखना है। बस ये अपने आप थोड़ा सा ऊपर आएगा, फ्लेम आपको जो है बिल्कुल मीडियम रखनी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ये आप इसको ऐसे बूंदी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन एज यू विश सेम मेथड है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसको बस 1 मिनट के लिए आपको चलाना है। अपने आप देखिए कितनी अच्छे से ऊपर आ गई है सारा। ये देखिए इसको थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे। आपकी चाशनी ऑलरेडी देखिए बन चुकी है, गरम है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा बूंदी को जो है हम बेसन की जो ये बनाई है बूंदी, इसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। ये आप दही में डाल के ऐसे भी खा सकते हैं विदाउट कलर, कलर ना ऐड करें उसके अंदर,
होममेड फ्रेश बूंदी बहुत ही स्वाद लगती है। ये देखिए बहुत ही जल्दी बनने वाला ये लड्डू है। अब आप सोच रहे होंगे मोतीचूर कैसे बनाएं इसकी, ये बिल्कुल आप बिल्कुल बारीक वाली जो है छाननी भी ले सकते हैं, मैंने ये ली है, इससे भी बन जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये देखिए इसको बस इसको जो है ऐसे टिश्यू पेपर पे ऐसे निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऑयल ऐसे ड्रेन हो कर लीजिए एकदम। ये देखिए बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये हमारी बूंदी, जो लड्डू हम बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्प है। साथ में अब इसी तरह हम जो है ये सारा बैटर बना लेंगे। ये देखिए हमारी जो बूंदी तल के बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसको जो है ये गर्म ही है, मतलब ये जो चाशनी हमने बनाई है इसको हमने अभी इसको गर्म में ही ऐड करनी है। ठीक है, इसको सोक करके हमको एक 10 मिनट रख देना है, ज़्यादा नहीं, गरम ही निकाल के गरम बस 2 मिनट यहाँ टिश्यू पेपर पे पड़ा रहने दें, थोड़ा ऑयल निकल जाए, उसके बाद में हम इसको सोक कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से सोक होने के बाद जो है आपको इसको जो है इसमें से आपको छन्नी से फिर से आपको बूंदी को अलग करना है। अगर एक्स्ट्रा चाशनी बच गई है तो आप उसको किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं, या नहीं डालना है तो नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए ये हमारा जो बूंदी बिल्कुल रेडी है, बस इसको हमने एक 10 मिनट तक इसको चाशनी में सोक कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल सारी चाशनी देखिए पूरी बूंदी को कवर कर लेगी। ठीक है, सारा एकदम इसमें अच्छे से रच जाएगा जो भी चाशनी हमने बनाई है। ठीक है, और ये मैंने थोड़े कुछ चॉप्ड किशमिश लिया है और बादाम लिया है। ठीक है, ये ऑप्शनल है वैसे तो, और क्या कहते हैं थोड़े से मगज ले लिए हैं, जो होते हैं ना ये खरबूजे के बीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब लिया है, आप मिक्स करके कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके एक 10 मिनट तक ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, बस इसको अभी एक ये तो हुई बूंदी की रेसिपी। ठीक है, ये एक रेडी हो गई है, आप इस यहाँ तक भी बना के जो है बिल्कुल खा सकते हैं एक 10-15 मिनट के बाद। अब इसको हम इसको हाथ से ऐसे क्रश करेंगे, या हाथ से क्रश नहीं करोगे तो आपको एक और तरीका मैं बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, क्योंकि मोटी बूंदी है तो इसको हम चूरा टाइप्स कैसे करें और मोती चूर के टाइप, तो ये हम थोड़ी मिक्सी में हल्का सा जस्ट फॉर अ सेकेंड भी नहीं, मतलब जस्ट एक ऐसा शू करके बंद कर दीजिए बिल्कुल, तो उसके हम जो है गोल गोल लड्डू बनाएंगे गणेश जी के लिए। अब आगे का प्रोसीजर इसके 10 मिनट होने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए अभी चेक कर लेते हैं हमारी जो बूंदी थी किस तरह तैयार हुई। देखिए अभी भी इसके अंदर पानी ये जो चाशनी है ना ये है, तो कोई बात नहीं, आप इसको चाशनी के समेत नहीं डालना। ठीक है, अभी हम इसको धीरे धीरे इसमें मिक्सी ग्राइंडर में इसको ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, वो अगर चाशनी बच जाती है ना तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रेड होता है ना ब्रेड तवे पे सेक लीजिए, सेकने के बाद ये हल्की सी चाशनी ऊपर एक एक चम्मच लगाते हुए आप इसको आराम से खा भी सकते हैं, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आती है वो डिश एक्चुअली, जो गुलाब जामुन की चाशनी बचती है तो ये हम उसको क्या करते हैं वेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम ब्रेड पे हल्का सा घी लगा के सेक लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको चाशनी को भी ऊपर एक दो चम्मच लगा सकते हैं। बस ये देखिए ये आपको पानी के समेत नहीं डालना है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ ये ऐसे ही डालना है। ठीक है, इसको स्ट्रेन करके पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू बने बाइंड अप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए हो गया, अभी हम इसको ऐसे करके बंद कर देना। चलिए ये देखिए हमारे जो आपको बस इतना चूरा टाइप रखना है, ज़्यादा नहीं, ये दिख रहा है ना आपको बिल्कुल, देखिए इतने जूम करती हूँ मैं, देखा कैसे मोती चूर टाइप्स हो गया है कि नहीं, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये
ठीक है। अब इसको हम गोल गोल इसके लड्डू बनाएंगे, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाथों में आप जो है ना हल्का सा ऐसा घी लगा लीजिए, ठीक है। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, सॉरी, देख के डर ना जाइए कि पता नहीं हाथ में क्या है, ठीक है। ये हाथ बिल्कुल साफ है, देखिए, आई हैव ऑलरेडी वॉश माई हैंड, सो डोंट बी स्केयर। चले, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी, बिल्कुल आपको जितने साइज़ का रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं तो ऐसे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं तो ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इसको अच्छे से बाइंड करना है आपको। ये देखिए बने ना बिल्कुल मोतीचूर स्टाइल, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं। इसी तरह हम जो है सारे लड्डू को गोल गोल इसी तरह बनाएंगे और उस पर आप जो है काजू किशमिश जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये मैंने अभी आपको दो प्लेन बना के दिखाए हैं, अब मैं इसके अंदर थोड़े से किशमिश भी मिक्स करती हूँ। और ये जो थोड़े मगज़ बोले थे मैंने, ठीक है, चलिए अभी इसको ज़रा सा ऐसे ऐसे फैला देंगे, अभी हम बाकी रेडी करके मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए मैंने सारे लड्डू अभी बना लिए हैं, ये देखिए कम से कम ये 10 से 15 लड्डू बन चुके हैं एक कप बेसन में। तो ये ना ये मैंने थोड़े डेकोरेशन कर दिया, अच्छा लगेगा ना। तो ये है ना ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, तो आप ये बस ऐसे ही थोड़ा सजावट के लिए कर दिए। तो आप इसमें आलमंड्स मैंने ऊपर रख दिए हैं, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, सिंपल है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं है, ठीक है ना। आप बना के ज़रूर देखीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ डू जो है कंटिन्यू करते रहें, मेरी वीडियोस दे अपलोड होती रहेंगी और आप देखते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड प्लीज़ बी सेफ, बाय, टेक केयर।